नमस्कार, भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना में आपका स्वागत है। आज पूरा देश महाशिवरात्रि का पर्व मना रहा है। महाशिवरात्रि फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। इस दिन भगवान शिव की उपासना की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। तो आज इस शुभ अवसर पर दूरदर्शन आपके लिए लेकर आया है भगवान शिव के भजन, जिन्हें अपनी मधुर वाणी से सजाया है डॉक्टर नूपुर सिंह ने। अब जो भजन हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, उसका स्रोत है रुद्राष्टकम। इस मंत्र की रचना स्वामी तुलसीदास ने 15वीं शताब्दी में ही कर दी थी। जो भी इस भजन का पाठ करेगा, भगवान शिव उसके सभी दुखों को हर लेंगे। तो आइए हम और आप साथ मिलकर इस भजन का आनंद लेते हैं। नमामि शमीशा निर्वाण रूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम् नमामि शमीशा निर्वाण रूपम् नमामि शमीशा
हमारे अगले भजन के बोल हैं काली काली कांवली में। इस भजन में भगवान शिव के दिव्य रूप का वर्णन किया गया है। विष पीने से भगवान शिव का पूरा शरीर काला पड़ गया है। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बाघ की खाल पर विराजमान होते हैं। धतूरे का पत्ता उन्हें बहुत ही प्रिय है और सावन के महीने में बहुत से कांवड़िए, हजारों लाखों कांवड़िए भगवान शिव के दर्शन के दर्शनाभिलाषी हैं। आ
आदिदेव शिव शंकर भोलेनाथ ने विष पीकर इस सृष्टि की रक्षा की थी। इसीलिए भगवान शिव हमारे पालनहार हैं, हमारे विघ्नहर्ता हैं। भगवान शिव का जप करने वालों के कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान शिव की स्तुति करने वालों के मन में एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है। हमारे अगले भजन जपत मन आनंद शिव शिव में आपको भी कुछ ऐसा ही आभास होगा। Shh.
महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और इस दिन उनके भक्तों के मन में भगवान शिव के लिए भक्ति भाव कई गुना बढ़ जाता है और हर भक्त के मन में यही आस होती है, यही आशा होती है कि नीलकंठ उनके जीवन के सभी दुखों को हर लें। तो ही देव है भोला नाथ।
कंठ कहें या भोलेनाथ, शिव शंभु कहें या शंकर, जिस भी नाम से पुकारे भगवान शिव के सच्चे भक्तों की आस्था उनके हृदय तक पहुंच ही जाती है। आज महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर आपने और हमने भगवान शिव के भजनों का भरपूर आनंद उठाया। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी के जीवन में नीलकंठ की कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी को महाशिवरात्रि की अनेक अनेक शुभकामनाएं। जय भोलेनाथ।